सरकार दा तंजीम है, आपने कभी कोई कदम ये पहली बार मैंने सुनी है ये बात आपके थ्रू, वरना मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली कि अगर वहाँ पर कोई बांग्लादेश लैंग्वेज का कोई ट्रांसलेटर बैठा हुआ है और वो पाकिस्तानी को देख रहे, सबसे पहली बात ये कानून के मुताबिक वो पाकिस्तानी का ट्रांसलेटर है भी नहीं, ठीक है ना। अगर उसने वहाँ पर स्टेटमेंट दिया या एप्लीकेशन में लिखा है कि मैं पाकिस्तानी जबान जानता हूँ और उसकी ट्रांसलेशन कर सकता हूँ, तो फिर उसको वो यूज़ कर रहे हैं। वरना देखें, एक ऐसा अदारा जहाँ पर एक बांग्लादेशी को पाकिस्तानी को ट्रांसलेटर रखा जाए, इसका मतलब है कि उसको जबान आती है, लेकिन उसका कोई राइट नहीं बनता कि वो पाकिस्तानी को कहे कि जी आप जाएँ और आपका मसला हल नहीं होगा। इस तरह तो कोई भी नहीं करता। जितने भी लोगों को यहाँ पर अलादा पोन का जो एलियंस पुलिस डिपार्टमेंट है, यहाँ पर पाकिस्तानी को भी बुलाया जाता है, इनको भी टोकन मिलते हैं, इनको भी रेड कार्ड कुछ ना कुछ मिलता रहता है, और इनके भी केसेस आगे जा करके रिजेक्ट होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन डील तमाम लोगों को किया जाता है, ये बात है। तो ये मेरा कहने का मकसद ये कि इसके ऊपर फिर हम देखेंगे, अगर ऐसी बात है तो नहीं देखें। मुल्तानी साहब क्राइम रिपोर्टर हैं और जनाब ये भी क्राइम की जद में आता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुझे भी एक इन्फॉर्मेशन इसकी है, बहुत सी शिकायत आई हैं और काफी प्रोग्राम्स में हमने ये बात की। हमारे बंगाली भाई की पहले मेरे पास एक शिकायत आई थी जिसका हमने ट्रांसफर करा दिया था एक और ब्रांच में, उसी में। अच्छा, लेकिन अभी आप नए से ऐसे कह रहे हैं, मे बी हुआ या और है, हम इसकी इन्फॉर्मेशन लेंगे, अगर वो है तो ये मेरा महकमा डिपार्टमेंट है क्राइम का। हाँ जी बिल्कुल, कार्रवाई करेंगे आपके प्रोग्राम। नहीं, बहुत से लोग हैं ना जो वो जाते हैं वहाँ पर, उनके साथ निशानदेही भी करें, बहुत से बंगाली हैं, उस बंगाली की जो वहाँ पर है जो स्पेशल ये काम करता है, हैं कुछ लोग, सब बंगाली ऐसे नहीं है, हैं उसमें, तो उसकी हमें निशानदेही, उसका नाम पता हमें दे, और इंशाल्लाह हम एंड द प्रोग्राम में आपको। नहीं, मेरा ख्याल है आप किसी दिन खुद जाए ना जाके बनवाने के लिए कि हमें यार बना के देना। दो तीन बार इब्राहिम साहब मैं खुद भी गया हूँ वहाँ पर चेक करने के लिए। अच्छा, एज ए पाकिस्तानी हमें कुछ शिकायत मिली थी कि वहाँ पर फॉर्म वगैरह फिल करके साथ लोग पाकिस्तानियों को लूट रहे हैं, हमने ये मना किया था, बल्कि उनको वहाँ से हटवा दिया था जबरदस्ती। अच्छा अच्छा, तो अगर आपने ये कोई एक नया एक जो है, ये हम इंशाल्लाह, ये नया नहीं है, ये काफी पुराना है, काफी दफा मैंने डिस्कस किए इस बारे में, लेकिन आज मौका मिला तो आपके साथ भी बात होगी। विनय टेलीविजन के हुक्म के मुताबिक हम इंशाल्लाह आपको एंड ऑफ दिस का रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह। ले जी, मुल्तानी साहब की ड्यूटी लागी है कि वो जो वहाँ पर वो बंगाली भाई हैं उनके साथ ये जाके बातचीत करेंगे, और अगर ज़रूरत पर पड़ी तो हम उसका कोई बड़ा एक्शन भी ले सकते हैं। पेरिस से हैं जी एक दोस्त, वो कहते हैं जी मेरी मेरे पास मैंने विवोसी बनवाई है, लेकिन पासपोर्ट पर इटली का वीज़ा लगा हुआ है, क्या मैं पाकिस्तान जा सकता हूँ? देखें, ये जो सवाल है पेरिस से जो मेरे दोस्त जिन्होंने किया है, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, और इसकी वजह से मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात ये कि आपके पास पेरिस का रेजिडेंट परमिट है एक, आप ग्रीस के विवेशी यानी जो सर्टिफिकेट जो रेजिडेंट परमिट के अगेंस्ट में इशू होता है, जब तक रेजिडेंट परमिट आपको पक्का नहीं लगता पासपोर्ट के ऊपर, तो ये लेकर के आप पेरिस किस तरह गए, ये एक क्वेश्चन यहाँ पर उठता है, क्योंकि जो विवेशी है नीली उस पर सिर्फ और सिर्फ आप अपना इस उद्देश्य से नहला यानी पाकिस्तान जा करके दोबारा वापस अपने मुल्क में आ सकते हैं, यूरोप के लिए वो जो सर्टिफिकेट है विवेशी वो वैलिड नहीं हुई है जब तक आपको रेजन परमिट नहीं मिलता, क्योंकि वो रेजन परमिट जो स्टीकर है वो शेंजिंग वीज़े की तरह है कि आप पूरे शेंजिंग कंट्रीज़ में टूर कर सकते हैं। जहाँ तक रही पाकिस्तान जाने की बात, तो जाहिर सी बात है जब आपको रेजन परमिट यहाँ से इशू नहीं हुआ है, तो फ्रांस से जो वहाँ की इमिग्रेशन है वो आपको कभी नहीं छोड़ेगी पाकिस्तान जाने के लिए। हाँ, ऐसे केसेस देखे हैं हम लोगों ने कि वो लोग जो इटली में रहते हैं, जो स्पेन में रहते हैं, वो यहाँ आते हैं अक्सर और यहाँ से पाकिस्तान जाते हैं, बल्कि यहाँ से ग्रीस के भी लोग जिनके पास रेजिडेंट परमिट ऑलरेडी मौजूद है वो जाते हैं फ्रांस, इटली, स्पेन, और वहाँ से अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने भाइयों के साथ पाकिस्तान जाते हैं, और फिर वापस पाकिस्तान से दोबारा वहाँ भी उतर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ग्रीस आएँ। तो ये जो रेजिडेंट परमिट है पूरे यूरोप का, ये तकरीबन समझ लें कि एक ही पेपर है हर मुल्क के अंदर, इसमें जो कोड नंबर है उससे वो जाना पहचाना जाता है, लिहाजा विवेशी के ऊपर आप इस मुल्क से सफ़र कर सकते हैं 31 दिसंबर 2010 तक, उसके बाद नहीं, जो कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक सर्कुलर निकाला है, जिन लोगों को रेजिडेंट परमिट नहीं है वो लोग नीली विवेशी के ऊपर अपने मुल्क जा सकते हैं और अपने मुल्क से वापस आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई तुक नहीं बनता कानून के अंदर, और मेरा ख्याल है कि आपके लिए परेशानी हो जाएगी अगर आप वहाँ गए इमिग्रेशन में, कि वो खुद भी देख के परेशान हो जाएंगे आपके पास रेजिडेंट परमिट है नहीं और विवेशी लेकर के आप किस तरह एयरपोर्ट पर आ गए। तो कहने का मकसद है कि आप एहतियात करें, और पता नहीं आप किस तरह वापस आएंगे फ्रांस से यहाँ, ये आपके जवाबदेही थे, और अगर हो सके तो नेक्स्ट टाइम हमें ये कॉल करके लाजमी बताइएगा कि आया आपका वीज़ा वैलिड है या नहीं है, ताकि आप आसानी से ग्रीस आ सकें, या कोई और वजह है।
हाँ, लेकिन अनुभव साहब मेरा ख्याल है जिन लोगों के पास वीवीओसी है या कोई पुराना स्टिकर भी लगा हुआ है वो यूरोप से आसानी के साथ यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर पूछगिछ नहीं होती उनको। काफ़ी लोग, काफ़ी केसेस ऐसे देखे हैं मैंने जिन लोगों के एक्सपायर हो चुके हैं वीवीओसी या उनका स्टिकर है जो, लेकिन वो फिर भी दोबारा आ गए हैं यहाँ पर। इसलिए ना कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यूरोप टू यूरोप जो है ना इमिग्रेशन नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये फॉरनर को फिर भी अक्सर यूरोप के कई मालिक में चेक कर चेक लेते कर हैं। लिया फ्लाइट जाता सर है। ग्रीस से तो लाजमी जाते हुए चेक किया जाता है, लेकिन वापसी पे जो फ्लाइट उतरती है वो आपको मालूम है वो एक्स्ट्रा शेंजिंग पे उतरती है ना, बिल्कुल तो बिल्कुल वो जो शेंजिंग का जो सेक्शन है उसके अंदर कोई इमिग्रेशन नहीं है, आपने उतरना और सीधा आ जाना है बोर्डिंग से होते हुए अपना सामान लेते हुए। बिल्कुल तो ठीक अगर वहाँ से और उन्होंने चेक कर लिया कि आप क्यों जा रहे हैं ग्रीस, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, ये देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे पेपर से लोग यहाँ वापस आ गए, और यहाँ एयरपोर्ट पर जाहिर सी बात है जब इमिग्रेशन नहीं है तो बंदा आता है सीधा उतर जाता है यहाँ बिल्कुल ठीक। बाई रोड अच्छा, बाई एयर। इमिग्रेशन कवानीन में कोई ऐसी रद्दबदल आई इस वीक को कुछ? फिलहाल तो नहीं आई है, वो जो मैंने आपको बताया था नेशनलिटी का लॉ वो ऑलरेडी तैयार है, लेकिन एक उसको जब सर्कुलर आएगा तो उसके बाद फिर उसके ऊपर कार्रवाई शुरू होगी, और उस लॉ के अंदर ही जो है उसके वो लिए लोकल अभी बॉडीज थोड़ा टाइम जी जी दरकार है मेरा उसमें ख्याल, जल्दी मतलब ये हो सकता है कि हो जाए, अगर इस हफ्ते जैसे आज शाम तक तो नहीं था जिम्मे वर्किंग डे था आज इसकी वजह से, लेकिन ये बहुत जल्दी ये कोशिश कर रहे हैं कि सर्कुलर निकाल लें ताकि इनको खुद हेल्प मिले इलेक्शन लिस्ट के लिए जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में, यहाँ ठीक पर परमानेंट रहने वाले इमिग्रेंट्स को नया राइट मिल रहा है अपने ठीक वोट कास्ट करने का दिसंबर में जो इलेक्शन होंगे नुमारखिया के और बल्दिया के इसके अंदर। ठीक बेहतर। लेकिन जी जनाब, जितनी ताज़ा तरीन सूरत हाल थी यूनान बार से वो हमने आप तक पहुंचाई, तो अगले हफ्ते को दोबारा इसी तरह कुछ नई शख्सियात होंगी हमारे साथ, कुछ नए वाक़यात होंगे, ताज़ा तरीन हालात होंगे। तब तक मुझे अरशद मुल्तानी साहब को, अनवर इकबाल साहब को दीजिए इजाज़त। अगर ये सांसों की डोरी बरकरार रही तो अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होती है। तब तक अल्लाह हाफिज़।